हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? बहुत ही अच्छा प्यार कर रहे हो आप लोगों ने, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को और मुझे बहुत अच्छा लगा। अपने बहुत ही अच्छा प्यार किया और बहुत व्यूज़ आ रहे हैं, सब्सक्राइब भी आप लोग कर रहे हो। जो नए यूज़र हैं मैं उनको बताना चाहूँगा, प्लीज़ आप भी सब्सक्राइब करो। दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन मैं इस चैनल पर देता हूँ, वो चाहे सॉफ्टवेयर का हो, चाहे बेसिक्स हो, चाहे किसी एग्जाम का हो, हर एक इन्फॉर्मेशन आप तक मैं सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि हर एक सिविल इंजीनियर इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करे। दोस्तों थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सर्वे इंजीनियर्स। कई लोग सर्वेयर बनना चाहते हैं, एक होता है क्वांटिटी एंड एस्टिमेशन इंजीनियर, एक होता है सर्वे इंजीनियर। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सर्वे इंजीनियर, कन्फ्यूज मत होइएगा, सर्वे इंजीनियर। अब मैं बताना चाहूँगा कि सर्वे इंजीनियर बन कौन सकता है। तो दोस्तों सर्वे इंजीनियर एक ITI वाला बंदा बन सकता है, एक डिप्लोमा वाला बंदा बन सकता है और एक BTech वाला बंदा भी बन सकता है। तो अगर आपके पास कोई डेजिग्नेशन, आपने naukri.com पे या इंडीड पे या कहीं पे भी देखा कि यहाँ पे एक ओपनिंग है जिस ओपनिंग में सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड पोस्ट है, तो और वहाँ पे सर्वे इंजीनियर का काम है, तो आपको क्या क्या पढ़ के इंटरव्यू में जाना चाहिए, टॉप क्वेश्चंस फॉर इंटरव्यू इन फॉर साइड सर्वे इंजीनियर्स, तो क्या होने चाहिए टॉप क्वेश्चंस, हम लोग उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए, अगर वो सॉफ्टवेयर स्किल मांगेगा बंदा अगर सर्वे इंजीनियर के पोस्ट के लिए, तो वो पोस्ट होगी आपको सिविल 3D करके एक सॉफ्टवेयर आता है, ऑटोकैड नहीं, सिविल 3D करके एक सॉफ्टवेयर आता है जिसको अच्छे से आपको समझना चाहिए और उसमें राइज एंड फॉल, एक्सेल के जो सारे डाटा होते हैं उनको पुट करके ग्राफ तैयार कर सकते हो। तो सिविल 3D सॉफ्टवेयर आपको अच्छे से आना चाहिए अगर सर्वे इंजीनियर की पोस्ट है तो, अगर ऑफिस में काम है तो। अगर वो काम साइट पे दे रहे हैं तो सबसे ज़्यादा अगर आपने टोटल स्टेशन सीख रखता है, क्योंकि जो भी अच्छी कंपनी है वो टोटल स्टेशन यूज़ कर रही है आज के टाइम में, तो टोटल स्टेशन अगर आपने सीख रखा है तो बहुत ही अच्छे से आप क्रैक कर सकते हो। टोटल स्टेशन के कई वीडियोस कई लोगों ने यूट्यूब पे डाले हुए हैं, आप सीख के जाओ टोटल स्टेशन के बारे में। प्लस एक सर्वेयर को MS Excel बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि उसे ग्राफ्स निकालने पड़ते हैं, एक्सेल मेंटेन करना पड़ता है, तो इसलिए MS Excel से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आपको MS Excel भी अच्छे से पढ़ के रखना चाहिए। अगर MS Excel नहीं आता है तो आप उसके लिए भी बहुत से लोगों ने यूट्यूब पर वीडियो डाले हुए हैं और ख़ुद से भी आप एक्सेल डाउनलोड करके डाल सकते हो। अगर आपको एक्सेल की वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, मैं भी बना के आपको दे सकता हूँ एक्सेल के वीडियोज़। तो एक्सेल आपको अच्छे से आना चाहिए, सिविल 3D अच्छे से आना चाहिए आपको, सिविल 3D से कोई भी नहीं, और टोटल स्टेशन के बारे में अगर थोड़ा भी इन्फॉर्मेशन तो बहुत अच्छा है, पॉजिटिव रहेगा आपके साथ आपका इंटरव्यू। और कंपास, जैसे कंपास को कैसे रीड करते हैं, उसका मिनिमम लिस्ट काउंट कितना होता है, 30 मिनट होता है। थियोडोलाइट का मिनिमम लिस्ट काउंट कितना होता है वो आपको 20 सेकेंड आपको पता होना चाहिए। ऑटो लेवल का मिनिमम लिस्ट काउंट कितना होता है, 5 mm। डंपिंग लेवल का कितना होता है, 5 mm। डंपिंग लेवल का यूज कैसे करते हैं, बबल का क्या यूज है, प्लेन टेबल सर्वेइंग में जो प्लेन टेबल है उसका साइज क्या होता है, ऑटो लेवल कैसे यूज करते हैं, डंपिंग लेवल कैसे यूज करते हैं, थियोडोलाइट को कैसे यूज़ करते हैं, कंपास को कैसे सेलेक्ट करके रखते हैं, इनके बारे में आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आप ITI वाले हैं तो आपको रेंजिंग रॉड के बारे में पता होना चाहिए कि रेंजिंग रॉड किस तरीके से यूज़ करते हैं। रेंजिंग रॉड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेंजिंग रॉड कितने साइज का होता है, ट्राइपॉड क्यों लगाते हैं, ट्राइपॉड लाइक किस एंगल पे रखते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आप अच्छे से पढ़ के जाइए, तब आप सर्वे इंजीनियर का जॉब इजीली क्रैक कर सकते हो, क्योंकि सर्वे इंजीनियर यही सब पूछते हैं। इसके अलावा प्लेन सर्वेइंग क्या होती है, जियोडेटिक सर्वेइंग क्या होती है, प्लेन सर्वेइंग कहाँ करते हैं, जियोडेटिक सर्वेइंग कहाँ पे करते हैं, एरियल टोपोग्राफी कहाँ होती क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में आप अच्छे से पढ़ के जाइए। इतना टॉपिक आपके लिए इनफ है सर्वे इंजीनियर बनने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि इन टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाया जाए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर इस टॉपिक के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली यूट्यूब पे या गूगल पे, जैसे उसे तो सब मिल जाएंगे, अगर नहीं मिलती है तो आप मुझे दीजिए और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर मुझे थियोडोलाइट के बारे में जानना है, टोटल स्टेशन के बारे में जानना, मेरे पास टोटल स्टेशन है नहीं, ठीक है, तो आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ किस तरीके से एक्सेस करते हैं, ये मुझे पता है क्योंकि मैंने जो ट्रेनिंग ली थी NIT इलाहाबाद में ली थी, तो उस ट्रेनिंग में मुझे पता था कि थियोडोलाइट कैसे यूज़ करेंगे, प्लेन टेबल सर्वेइंग कैसे करते हैं, चैन सर्वेइंग कैसे करते हैं, इन सब के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन है। आपने कॉलेज में भी किया होगा बट उसको थोड़ा सा डीप में जाके करना, क्योंकि इंटरव्यू में डीप में क्वेश्चन पूछते हैं तो कहीं आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आप पहला फिर से एक बार रिवीजन करना चाहूँगा आपको कि क्या क्या पढ़ना है, सिविल 3D अच्छे से पढ़िएगा, सिविल 3D के बाद ऑटो लेवल, डंपिंग लेवल, कंपास, थियोडोलाइट, टोटल स्टेशन के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, और इसके बाद आप अपना थोड़ा सा प्लेन सर्विंग क्या होती है, जियोडेटिक सर्विंग क्या होती है, इन सब के बारे में थोड़ा सा, एरियल टोपोग्राफी के बारे में, प्लेन टेबल सर्विंग का साइज़ क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज ले लीजिए, आप अच्छे सर्वे इंजीनियर्स बन सकते हैं इनके थ्रू।
सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टोटल स्टेशन, मैं फिर से बोलूँगा, इसलिए टोटल स्टेशन को आप फिर से मैं बोलूँगा कि अच्छे से पढ़ के जाना यार। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और दोस्तों जो पुरानी वीडियोस है हमारे, उसमें से एक वीडियो है मेरा जिसमें हमने बताया कि डिजाइन इंजीनियर के लिए क्या आपको रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, डिजाइन इंजीनियर कैसे बनोगे, उसके बारे में भी आप वहाँ देख सकते हो। अगर किसी बच्चे को पता करना है कि मुझे कौन सा डोमेन में जाना है, सिविल इंजीनियरिंग हमारे लिए बेस्ट है कि नहीं है, तो उसके लिए भी मैं लिंक में डाल दिया हूँ कि वीडियो देख सकते हो। उसके अलावा सिविल 3D AutoCAD जैसा सॉफ्टवेयर होता है, इसलिए आप अगर सिविल 3D का बेसिक्स जानना चाहते हो तो मेरे AutoCAD के कुछ वीडियोस हैं, मैं लिंक में दे दूंगा आपको, तो वो आप AutoCAD के कुछ वीडियोस देख के उसके ऊपर आप अच्छे से नॉलेज ले सकते हो कि सिविल 3D कैसे एक्सेस होगा। ठीक है, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए अगर कुछ डाटा आपको पढ़ना है तो unixcivil.com पे आप जाके वहाँ से अच्छे से नॉलेज ले सकते हो कि किस तरीके से हम लोग कई चीज़ें, मैंने सिविल वहाँ पे आपको मैक्सिमम चीज़ें सर्वे इंजीनियर के लिए मिल जाएंगी unixcivil.com पे, क्योंकि मैंने काफ़ी मटेरियल सर्वे के इंजीनियरिंग के बारे में वहाँ पे डाला हुआ है, कई PPTs डाले हुए हैं, आप उनको भी पढ़ सकते हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा, सो दैट मैं कोई इंप्रूवमेंट हो मेरे साइड से तो भी मुझे बताइएगा, तो सो दैट हम उस इंप्रूवमेंट को भी इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।